नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इस वक्त देश में हालात क्या है, किन किन चीजों को लेकर किल्लत हो रही है। दिन रात हम भी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए, कभी कोई दवाई जो अभी मार्केट में नहीं अवेलेबल है एट लार्ज, वो जो पेशेंट है उस तक पहुंचाया जाए। ऐसे में वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे कहने की आपको जरूरत है क्या? लेकिन ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस देश में एक देश एक संविधान तो है, लेकिन दवाइयों के रेट अलग अलग हैं, वैक्सीन के रेट अलग अलग हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग है, राज्य सरकारों के लिए अलग है, और उसमें भी प्राइवेट जो अस्पताल है उनके लिए अलग है। और अलग से माने ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार को सस्ता मिलेगा, फिर थोड़ा महंगा राज्य सरकार को मिलेगा, और बहुत ज्यादा महंगा प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगा। कोविशील्ड वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों है? इस देश में अगर वैक्सीन को लेकर किसी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करने की बात सरकार की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से की जाती है, तो फिर प्राइस में यानी उसके मूल्य में, उसके दाम में अलग अलग या डिफरेंशिएशन क्यों है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही कि यह राष्ट्रीय आपदा है और ऐसे में अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और इसीलिए इस वक्त हमारा इंटरवीन करना बेहद जरूरी भी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अब इस वक्त जो इमरजेंसी के हालात है उसमें इस राष्ट्रीय आपदा को मुनाफे का अवसर बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, और मुनाफे का अवसर बनाने की कोशिश कर कौन रहा है? क्या सरकार के हाथ में एक दाम करने का राइट नहीं है, वो पावर नहीं है? आज इसी पर बहस होगी, हुंकार भरेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन का एक अहम पड़ाव आने वाला है। 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम बुधवार से शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले वैक्सीन की कीमत को लेकर कलह है। इसकी वजह है कि जो वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही थी, उसके लिए राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के मुताबिक मिलेगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी। इसी तरह कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से राज्य सरकारों को मिलेगी और प्राइवेट अस्पतालों को इसके एक डोज के लिए 1200 रुपए चुकाने होंगे। वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर सभी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। जो पहले ओपन मार्केट डिमांड कर रहे थे वो आज कह रहे हैं कि ओपन मार्केट क्यों हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों आ गए। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उन्होंने केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन बेची थी तो उसमें भी मुनाफा कमाया था, तो फिर अब बढ़े हुए दाम में वैक्सीन क्यों बेची जा रही है? एक चौंकाने वाली बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट जब दुनिया के दूसरे देशों में अपनी वैक्सीन बेचता है तो उसके दाम कम होते हैं। जिस कोविशील्ड वैक्सीन का दाम भारत के प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से तय किया गया है, उसकी कीमत रुपए के हिसाब से UK में 224 रुपए प्रति डोज, अमेरिका में 299 रुपए प्रति डोज, ब्राजील में 236 रुपए प्रति डोज, बांग्लादेश में 299 रुपए और दक्षिण अफ्रीका में 393 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। ऐसे में ये समझ से बाहर है कि भारत में राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों से विदेशों के मुकाबले ज्यादा कीमत क्यों वसूली जा रही है। और
और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जो कि डायरेक्टर है हीमेटोलॉजी एंड BMT फोर्टिस हॉस्पिटल के। अंश सिंह लूथरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वकील है दिल्ली हाईकोर्ट के। सबसे पहले अभिज्ञान, कैसे इस चीज को आप देखेंगे भाई? हमें जब वैक्सीन लगानी है तो हमें अलग अलग दाम देने क्यों होंगे, जब हम कह रहे हैं ये एक देश है, एक संविधान है? आपका पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, दोनों 100% सही है। बिल्कुल इसके तरीकों में, क्योंकि आपदा की स्थिति है, हम सब जानते हैं, हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपदा की स्थिति में मुनाफा कमाना, मुनाफा शब्द आपने सही इस्तेमाल किया, उसको कमाने की तस्वीर बिल्कुल ही कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एक स्तर के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी, आपकी रिपोर्ट ने एक बात को हाईलाइट किया और बहुत सही हाईलाइट किया कि जब हमारे ही मैन्युफैक्चरर्स जो है वो दुनिया के बाकी देशों में, जिसमें US और UK तक शामिल है, यही वैक्सीन दे रहे हैं तो उसके दाम तकरीबन आधे से कम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी इसका सिस्टम है, मुझे नहीं पता, और ये सच बात है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फैसला उनका अकेले नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि लोग चिंता व्यक्त करें, राजनीतिक लोग तुरंत इस पर साथ आकर एक निर्णय लेकर बताएं कि एक देश में एक ही कीमत की वैक्सीन हो, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता हमको एक देश के तौर पर तय करना है इतनी बड़ी आपदा में वैक्सीनेशन का। तो बहुत टाइमली ऑब्जर्वेशन है और बहुत टाइमली इंटरवेंशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च अदालत का, और लेट ना हो जाए। ओके डॉक्टर, दोनों डॉक्टर्स भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लेट ना हो जाए। ओके, गौरव भाटिया मुझे सुन पा रहे हैं? रूबिका जी, मेरा फोन कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, मैं आपको टीवी से सुन के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर फोन एक काम करते गौरव जी, मैं एक बार कनेक्ट आपको कर लेती हूँ फोन से। हाँ, आपने स्पीकर भी ऑन किया हुआ है गौरव जी, उसे थोड़ा बेहतर कर लेते फिर मैं आपके पास आती हूँ। और डॉक्टर साहब हमसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू स्पीक। हाँ गौरव भाटिया, आपको कम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। शायद डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, रूबिका जी, सिंपल कुछ फैक्ट्स और तथ्य बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग उसमें कूदे दंगल में और प्योर राजनीति करे, फैक्ट सुन लीजिए। बजट में 35,000 करोड़ का आवंटन हुआ था वैक्सीन के लिए, आपको 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिनके अलायंस एक तिरंगे के नीचे है, ना वो हरियाणा का है, ना राजस्थान का है, ना वो उत्तर प्रदेश का है। आपकी जो पॉलिसी है उनको 3 महीने के अंदर में 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन करना है वॉर फुटिंग पे। आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, आप इलेक्शन करा सकते हैं, 135 करोड़ लोगों को 1200 करोड़ लोगों को का खर्चा करके कुंभ मेला करा सकते हैं 13 करोड़ लोगों का, क्या 60 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 3 महीने में वैक्सीन नहीं लगा सकते? 2 तारीख से आपका महापर्व, जिसे वैक्सीनेशन पर्व कहते हैं, वो चालू होना चाहिए। आज उसकी कोई रोड मैप नहीं है, कोई 400 कोई 600, क्यों? जब सारे लोग टैक्स दे रहे हैं और देश में 34,000-35,000 करोड़ रुपए दिए गए थे वैक्सीन निर्माताओं को, तो क्यों नहीं लगाई जा रही वैक्सीन? पूरे विश्व में आप कहीं भी ले लीजिए, सेंट्रल परचेज है और पूरे विश्व में लोग एक ही प्रकृति से काम कर रहे हैं। सो कहने की बात यह है, और आप इस बात पर राजनीति होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेंटर कम पैसे में लेगी, जहां पे सेंटर की सरकार है वो अपने लोगों को कम पैसे में देगी, ये दिखाने के लिए कि हम वहां के लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या राहुल भार्गव हरियाणा का होके उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगवाने जाएगा? क्या वो दिल्ली लगवाने जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या वो डोमिसाइल लेके जाएगा? उसके पास पासपोर्ट किसका है, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का या देश का? क्यों ऐसी कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, जब आपके पास पता है कि आपको 60 करोड़ लोगों को लगानी है? अरे लगाइए, एक परचेज करिए 60 करोड़ वैक्सीन की डोज, 60 करोड़ का मतलब 120 करोड़ वैक्सीन की डोज आप लीजिए और 3 महीने में लगाना चालू करिए। इसमें राजनीति कहां से है? अरे लोग मर रहे हैं अभी,
अभी भी आपको राजनीति सूझ रही है, आपको इलेक्शनरिंग की सूझ रही है कि मैं अपने लोगों को ज्यादा बेहतर बना दूं, दिल्ली को नीचा दिखा दूं, महाराष्ट्र को नीचा दिखा दूं, क्यों? नहीं नहीं, जिस देश में टीवी, फ्रिज, चावल, फला फला चीजें फ्री दी जा सकती है सिर्फ चुनावों के लिए, तो आज तो ये मरने और जीने की स्थिति है ना, तो सरकार इसमें स्ट्रॉन्ग विल क्यों नहीं दिखा पा रही है? एंड आई एम सॉरी टू से, लूथरा साहब, मैं चाहती हूँ अब आप जरा इस डिबेट में आए, उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर और गौरव भाटिया मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन डॉक्टर लूथरा, आई एम सॉरी, जो लोग वो टैंकर सिलेंडर ऑक्सीजन का हजारों हजारों रुपए में बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि ये एलीट लेवल की काला बाजारी नहीं है, क्यों ना मानूं मैं इसको? क्यों आज की तारीख में आप सरकार को 150 रुपए पर डोज दे रहे हैं, आप राज्यों को 400 रुपए पर डोज दे रहे हैं और आप प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए पर डोज दे रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी, और वो भी तब जब 150 रुपए में आप मुनाफा कमा पा रहे हैं। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूं, पर अपना जवाब देने से पहले मैं ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं एकदम apolitical हूं और मैं सिर्फ तथ्यों के उस पे बोलूंगा। देखिए, जो 150 रुपए की आप बात कर रहे हैं ये एकदम ठीक बात है, 150 रुपए में आधार पूनावाला जी ने खुद ही, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है डॉक्टर साहब, यू आर राइट, आवाज आ रही है आपको जी? एब्सोल्युटली आ रही है, बस थोड़ा सा आवाज आने जाने में वक्त लग रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, जो 150 रुपए का कॉस्ट है उसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं वैक्सीन के, एक है R&D कॉस्ट और दूसरी है, हेलो, 150 रुपए में 75 रुपए आधार पूनावाला जी ने बताया है। लूथरा साहब, आई कॉल यू डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैं बस दर्शकों को बता दूं कि आप वकील हैं, हाँ, आप पैसे से वकील, आप पेशे से वकील हैं और आप अपनी बात जो है कानूनी तौर पर रखेंगे। ऑल राइट लूथरा साहब, आप रखिए, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम जी जी जी, मैं सिर्फ इसमें दो कानूनी सोल्यूशन बताना चाहूंगा जिससे एक तो ये वैक्सीन किफायती भी बनाई जा सकती है और इसकी प्रोडक्शन खूब बढ़ाई जा सकती है और काफी जल्दी बढ़ाई जा सकती है और जिसकी हमें सख्त जरूरत है आज। सबसे पहला सोल्यूशन है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। हमें सबको पता है कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो ICMR और NIV पुणे जो दोनों गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और भारत बायोटेक तीनों ने मिलकर बनाई है। इसका वॉलंटरी लाइसेंस स्टेट एंटिटी को भी और प्राइवेट एंटिटी को भी देना चाहिए। जो वैक्सीन बना सकता है चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो या स्टेट एंटिटी हो उसको बनानी देनी चाहिए, इससे ये किफ़ायती होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने एक हाफ स्टेप इसमें लिया है, आधा स्टेप लिया है कि उन्होंने हैफकिन बायोफार्मा को एक वॉलंटरी लाइसेंस दिया है, लेकिन हैफकिन के जो CEO हैं वो कहते हैं हमारी पहली वैक्सीन 2022 जनवरी में निकलेगी फैक्ट्री से। हम दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री कहलाए जाते हैं, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 820 करोड़ वैक्सीन बनाने की है एक साल की, तो हम ये वॉलंटरी लाइसेंस स्टेट एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी को इस नेशनल क्राइसिस में क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सोल्यूशन है सेक्शन 92 इंडियन पैटर्न्स एक्ट बात करता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग की, और सर मैं पहला सोल्यूशन पे रुकना चाहती हूं, मैं दूसरे पर आऊंगी पर पहले सोल्यूशन पर रुकना चाहती हूं लूथरा साहब, और इसीलिए गौरव भाटिया के पास जा रही हूं। गौरव भाटिया, लूथरा साहब ने एक अभी आपको सजेशन दिया, दूसरा डॉक्टर भार्गव ये कह रहे थे कि भाई पासपोर्ट हमारे पास देश का है तो फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमें क्यों वैक्सीन के पैसे देने पड़ेंगे? आप तो टीका पर्व बना रहे हैं तो इसे पूरे देश के लिए फ्री क्यों नहीं कर देते? रूबिका जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ, एक अच्छी बात अभिज्ञान जी ने कही और डॉक्टर साहब ने भी कही कि जो नागरिक है वो तो देश का नागरिक है और ये सरकारों की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि उसको वैक्सीन उपलब्ध भी हो और सही दामों में उपलब्ध हो। और इसी कड़ी में जो अब तक बड़े प्रयास हुए ना उस पर एक बात मैं रख दूं क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण है। 15 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगा, रूबिका जी आप भी जानती है अभी तक मुफ्त लगा है, ये केंद्र सरकार ने भार उठाया है। आगे भी क्या पॉलिसी है ये समझना बड़ा आवश्यक है।
50% जो वैक्सीन उत्पादन होगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, जो प्रदेशों के पास ही अंततगत्वा जाएगा और उनको मुफ्त में ही मिलेगा। अगर आप अस्पताल में जाते हैं केंद्र सरकार की तो आपको मुफ्त में लगेगा। जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है और उसकी प्राइसिंग पे हम बात कर रहे हैं। रूबिका जी याद करिए कितने ऐसे दल है पार्टी के और सरकारें हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी कहती आई ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज क्यों कर दिया है। स्टेट्स को खुद ये ताकत दीजिए कि वो अपना वैक्सीन कंपनी से खरीद सके और फिर लगा सके। जब बहुत मंथन के बाद और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करी उसके बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया केवल 50% के लिए, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, 11,00,000 करोड़ रुपए बजट है जो 5 कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट किया आप जानते हैं, 4,500 करोड़ रुपए जो 2 निर्माता कंपनी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन उसको केंद्र सरकार पूरी सहायता दे रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए, तो प्रदेश सरकार अपने 11,00,000 करोड़ में हमारे ही देश के नागरिकों और जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहती। और तीसरी बात, जो समान नहीं है उनको समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। जैसे कोई अगर बहुत अमीर है या जो कंपनी है जो कह रही है कि हम अपने सारे एम्प्लॉयज को लगाना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन क्यों मिले? वैक्सीन मुफ्त तो गरीब को मिलना चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग है समाज में उसको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से मुझे डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना चाहिए था इस रिएक्शन के लिए, लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भार्गव जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ऑलराइट डॉक्टर भार्गव बोलिए। रूबिका जी एक सिंपल सी बात गौरव भाटिया जी ने कही कि सेंटर 50% ले लेगा, 50% वो कहां जाएगा वो कंफ्यूजन का मात्र बनेगा क्योंकि आगे चल के इसी बात पे लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरी चीज, सरकारें किस प्रकार से लेंगी आप ये बताइए, स्टेट कैसे प्रोक्योर करेगा? इस समय आपको सेंट्रल सप्लाई चाहिए ताकि आप लोगों को एक मुश्त तरीके से लगा पाए, क्योंकि इस लड़ाई में हमने रेमडेसिविर की लड़ाई देख ली कि कोई महाराष्ट्र में ज्यादा लेता है, कोई हरियाणा में ज्यादा लेता है। एब्सोल्युटली मैं आपका पॉइंट समझ गया गौरव भाटिया। हाँ गौरव भाटिया मुझे इसका जवाब दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि फिर तो आपकी भाई केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो फिर वो बीजेपी के राज्यों को वो जो 50% उसने लिया है 150 रुपए पर डोज में उसका फायदा पहुंचाएगी, फिर बाकी सब तो नुकसान में रह गए ना। रूबिका जी देखिए ये बिल्कुल सत्य नहीं है, सत्य से बहुत दूर है। 50% कहां जाएगा? डॉक्टर साहब आदरणीय है और पहले आपको सल्यूट है जिस तरह से आप भारतीयों की जान बचा रहे हैं। 50% प्रदेश की सरकारों को जाएगा। अभी तक जो कोविड के इंजेक्शन टीका बटे हैं करीब 14.5 करोड़ हैं। रूबिका जी आप बताइए महाराष्ट्र ने क्या सबसे ज्यादा टीकाकरण नहीं किया? महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ भेदभाव और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओछी राजनीति तब होती है जिन सरकारों ने छत्तीसगढ़ पंजाब कहा था कोवैक्सीन हमें मत दो ये अच्छा वैक्सीन नहीं है, आज वो वैक्सीन मांग रही है। सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जिन्होंने कहा था कि भारत नहीं बढ़ा सकता वैक्सीन, शशि थरूर जयराम रमेश और ये नागरिकों के लिए सेफ नहीं है। वो डॉक्टर अजय कुमार उनका जवाब देंगे गौरव भाटिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं राज्यों को जाएंगे उसमें क्या है मतलब वो गौरव भाटिया उत्तर आपने कहा राज्यों को जाएगा, मैं कह रही हूँ कौन से वाले राज्यों को जाएंगे, कौन से वाले राज्यों को जाएगा, ये कैसे तय है? ठीक है, तीन क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूं। पहला क्राइटेरिया है कि कितने केसेस हैं उस राज्य में, जैसे महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, हंसने की बात नहीं है लोग हंस सकते हैं, बड़ी गंभीरता से बता रहा हूँ अध्ययन करने के बाद। दूसरा केपेबिलिटी उस राज्य की, सबसे पहले वैक्सीन खत्म हो गई, डॉक्टर साहब मैं अपनी बात डॉक्टर साहब आप बोल लीजिए, कम से कम इस डिबेट में आपका महत्व बहुत ज्यादा है कि अगर आप मेरे ऊपर बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात बोल लूंगा, बोलिए बताइए, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। थैंक यू सर। गौरव भाटिया जी महाराष्ट्र में हमने देख लिया कि पहली बार में ही चरण में वैक्सीन खत्म हो गई जिस तेजी से वो लगी। आप ये देखिए आप कह रहे हैं सरकारों के पास जाएगा, सरकारों की टोटल स्ट्रेंथ जो है आपको रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन करनी है सर, आपको बहुत सारे सेंटर चाहिए, बहुत सारे सेंटर चाहिए जो वैक्सीन लगाए। आप कहते हैं ये प्राइवेट और पब्लिक की पार्टिसिपेशन में आप डिवाइड करके चलेंगे तो 1 करोड़ वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। सेंट्रल एक सेंट्रल वॉर रूम बना के क्यों नहीं आप देश को 30 सेकंड में गौरव भाटिया फिर मुझे डॉक्टर अजय कुमार का भी रिएक्शन लेना। ओके डॉक्टर भार्गव यू हैव अ पॉइंट और उसका जवाब, और मेरे ख्याल से अभिज्ञान भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन
गौरव भाटिया 30 सेकंड प्लीज। डॉक्टर भार्गव, जिसको आप कह रहे हैं कि एक सेंट्रल वॉर रूम क्यों नहीं बनाते, मैं आपको बता दूं इसमें तीन मापदंड है। पहले, राज्य में कितने संक्रमित लोग हैं, कितनी वैक्सीन की जरूरत है। दूसरा, उस राज्य की कैपेबिलिटी कितनी है टीकाकरण करने की, जिससे वैक्सीन वेस्टेज ना हो। और तीसरा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और आपको बड़े दावे से मैं एक बात कह दूं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं लग पाई है। हर प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर अजय कुमार और जो हेल्थ सेक्रेटरी वो चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया, डॉक्टर अजय कुमार, एक देश एक दाम की बात तो हो रही है, लेकिन आप ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि मार्केट खोल देना चाहिए। अब जो स्पुतनिक आएगी उसका दाम अभी तक तो तय नहीं आधिकारिक तौर पर, लेकिन बताया जा रहा है 750 रुपए होगा। अमेरिकन जो आएगी वो 1500 रुपए होगा। देखिए, पहली बात है कि कांग्रेस ने हमेशा रुबिका जी कहा है कि आप वैक्सीन पहले तो उपलब्ध कराइए, क्योंकि आप उपलब्ध नहीं करा रहे इसलिए समस्या आ रही। दूसरी बात है कि ये सबसे तुगलक की फरमान है, और ये मोदी जी और उनकी सरकार के मंत्री लोग जो किस तरह से जो है नीतियां बना रही है, पूरे देश पूरे दुनिया हंस, कोई किसी भी दुनिया में इस तरह का वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं बनी। कोई भी देश, बांग्लादेश से लेकर के अमेरिका से लेकर के किसी देश में, एक देश में जो है तीन तरह के दाम नहीं रहे, कोई देश में, अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, श्रीलंका, लेकिन इस गत तक इस देश इस स्थिति तक इस देश को पहुंचा दिया है रुपिका जी। कि आप बताइए कि पहले तो प्राइवेट सेक्टर में 600 रुपए में ये पहले कोवैक्सीन की बात करते हैं, कोवैक्सीन ICMR के द्वारा जो है साथ में अनुसंधान के साथ भारत बायोटेक को दिया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी, मुनाफा जो है मोदी जी के दोस्तों भाजपा के दोस्त के लोग को, अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी है ना, ये भारत सरकार ने बनाते हैं वैक्सीन। किस आधार पर भारत बायोटेक के इलावा ये डॉक्टर जो उसके मालिक है 1200 रुपए मांग रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे महंगा वैक्सीन है। यूरोप में भी एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन $3 के आसपास, लेकिन भारत के निवासी नागरिक को जो है आपको वो वैक्सीन जो रेट जो ₹1200 $10 पे जो $10 बने, आप बताइएगा कि रुबिका जी ये दुनिया का सबसे गरीब देश है, कह रहे हैं कि मुनाफा पहुंचाएगा। ओके, हाँ, 1,00,000 वहां भी कम दाम में। सर सही कह रहे हैं, आपके तथ्यों में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब मैं चाहती हूँ इसका जवाब दे गौरव भाटिया, एक एक पॉइंट के साथ जवाब दे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो छोड़ दीजिए, फिर अब ये सारे पावर केंद्र को दे दिए जाएंगे। आज ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एक के बाद एक बड़ी टिप्पणियां यहां पर कोर्ट की तरफ से आई है। दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि पहले जब बकायदा केंद्र की तरफ से कहा गया कि नहीं ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं है और स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो हमें केंद्र सरकार की बातों पर यकीन नहीं हुआ, ये बकौल कोर्ट आपको बता रही हूं। लेकिन आज की स्थिति को देखकर, आज की इस सुनवाई को देखकर हम अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वाकई अगर आपसे स्थिति और हालात नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र को हम जिम्मेदारी दे देते हैं, आपका सिस्टम फेल है, सिर्फ कागजों पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कालाबाजारी पर कोर्ट ने कहा कि गिद्धों की तरह बर्ताव करना छोड़ दे, ये कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगी है। अंकित से हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, चूंकि कहा था शुरुआत आपसे, तो पहले आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए और उसके बाद वैक्सीन पर बात करिएगा। देखिए रूबिका जी, ये चर्चा से थोड़ा अलग विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आप दिखा रही है। ये क्या दिखाता है कि जब विपक्ष की सरकारें हैं, इनका पूरा काम और पूरा इनका जो अपना एक सोच है वो नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने में है। और यही बात हम लोग उठा रहे थे कि ऑक्सीजन तो हम दे देंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे जाएगा। और तीन दिन से आप देखिए, चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय भी हो, दिल्ली सरकार से खासकर जब हाईकोर्ट ने पूछा तो ये लोग अब क्रायोजेनिक टैंक्स का इश्तिहार दे रहे हैं। इतने समय से वो क्या कर रहे थे
वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है, कोर्ट में कुछ और बात उनके वकील रखते हैं, और ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम पूरी करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये नागरिक हमारे हैं, उनकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। और महाराष्ट्र में भी शुरुआती टिप्पणी मुझे चाहिए था आपकी। ओके रूबिका जी, इसीलिए गौरव भाटिया, अब मैं चाहती हूँ लौट कर हम इस मसले पर आ जाए, जो क्योंकि जो आम आदमी है वो लगातार मुझे ट्वीट करके और ये सच में जानना चाहता है कि क्या हमें एक दाम सरकार तय करके दे देगी, उसके वश में है, बस में है कि नहीं है। डॉक्टर भार्गव, आई एम कमिंग टू यू। गौरव भाटिया सर, रूबिका जी जल्दी जल्दी मैं उत्तर दे दूं। सबसे पहले एक भेदभाव की बात हुई थी, ये मेरे पास आंकड़ा है, महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी है, लेकिन उनको वैक्सीन जो अभी तक दिए गए हैं 1.5 करोड़ दिए गए हैं, और उत्तर प्रदेश को 1.3 करोड़, ये क्या दर्शाता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, आपने प्राइसिंग की बात करी, हमारे यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है, और जो हमारी जनसंख्या है वो किसी और देश से उसकी तुलना नहीं हो सकती। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र में 5 लाख करोड़ का बजट आता है, मेरा सवाल क्या जायज नहीं है, जैसे जनता पूछ रही है। अगर गौरव भाटिया, बस मुझे ये बताइए कि हम आप मुझे बस ये बताइए, 150 रुपए पर डोज में जो आप लोग पैसा देकर खरीद रहे हैं, ये राज्य सरकारों को क्यों नहीं मिल सकता है, ये प्राइवेट अस्पतालों को क्यों नहीं मिल सकता है, क्या वजह है इसकी? गौरव जी, बिल्कुल गौरव जी, इसी पे उत्तर दे रहा हूं। एक मिनट भाई साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले जब हम पूरे देश के लिए अपना स्टॉक ले रहे थे तो केंद्र की सरकार पे इल्जाम कौन लगा रहा था? रूबिका जी, आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी, आप पूरे देश के लिए लेते थे, इन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज करो। आज भी प्रधानमंत्री जी क्या ये बात नहीं कह रहे? ये जो राजनीति बाद में होगी, आप इनको आड़े हाथों लीजिएगा, किसी ने नहीं रोका। मैं ये कह रही हूँ 150 रुपए में भी मुनाफा कमा रहे हैं आदर पुना वाला, तो फिर 150, तो फिर 400 और 600 रुपए में क्यों? डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाहते? रूबिका जी, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, मैं उनकी प्रेस रिलीज पढ़ के बता रही हूँ। गौरव जी सिंपल मुद्दा, डॉक्टर भार्गव, ओरल पोलियो वैक्सीन सरकार लेती है और पूरे देश में बेचती है। ओरल पोलियो वैक्सीन एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्योंकि ओरल पोलियो से पोलियो मुक्त कराना है। आपका मॉडल जो आप कह रहे हैं, पूछ लू, एक मिनट आ रो सर, पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, ये सिंपल मॉडल क्यों नहीं हो सकता सर? 60 करोड़ लोग, 120 करोड़ वैक्सीन चाहिए, 35,000 करोड़ का आपका सेंट्रल का बजट है, आप एक मुश्त लीजिए, सेस लगाइए और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता वाले प्रोसेस से चल दीजिए। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन में स्क्रैम्बलिंग होगी, 2 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट होनी है, वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, प्रोसेस हुआ नहीं, लोगों को मारामारी होगी और लोग परेशान होंगे। गौरव भाटिया जी, कई बार लोगों को सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है, वो चीज अडॉप्ट होती है, प्लीज कॉमन आदमी की तरह सोचिए। 150 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, वो लोग यही कहेंगे स्टेट सरकार। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल गौरव भाटिया, अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आप, मुझे लगता है अभिज्ञान भी आपसे सवाल ही पूछना चाह रहे होंगे, एक बार वो कह दे और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हाँ अभिज्ञान, डॉक्टर अजय, मैं आपका भी रुक करूंगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस पॉइंट से प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उससे नहीं भटकने की जरूरत है। बहस का मसला आज और अभी है प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग में बहस का मसला है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि एकदम जो सिस्टम अवेलेबल हो, ये 50% और ये सारा कंफ्यूजन उसको हटाकर, अगर 2 तारीख से भी ये पूरा प्रक्रिया एक पर्व के तौर पर शुरू होनी है, प्राइसिंग आप फिक्स कर दीजिए। 150 रुपए में भी अगर मुनाफा मिल रहा है तो एक प्राइसिंग फिक्स करके उसके बाद स्टेज 2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेज 3 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखिए। यही आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, नहीं तो ये बहस जैसे अभी अलग अलग दिशाओं में चली जा रही है, अभी भी किया जा सकता है, देर नहीं हुई है। प्राइसिंग रेस्ट जी, और उसके बाद अब बाकी चीजें मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइसिंग फिक्स कर लीजिए। डॉक्टर अजय कुमार, और उसके बाद गौरव भाटी, आप इन सबका जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार, केंद्र का जिस तरह का व्यवहार है, वो से खिसिया बिल्ली खंभा लो, क्योंकि आप, हम लोग ने कहा कि आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए, अब हम आपको इतने परेशान कर लेंगे, उसमें देश के जनता को भी जो है पूरी तरह से परेशान हो जाए। आप बताइएगा कि पूरे, जैसे डॉक्टर भार्गव ने ठीक कहा
कि 2 तारीख को जो भीड़ लग जाएगी हॉस्पिटल के बाहर, प्रदेश सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। और दुनिया कभी इस देश में हमेशा केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन को उपलब्ध कराया है हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया है, और दुनिया में कोई सरकार नहीं करी है। सिर्फ पता नहीं ये तुगलक की जो है आइडिया सिर्फ मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को क्यों आते हैं, क्यों बाकी दुनिया से क्यों नहीं सीखते हैं। हमेशा नया नया आइडिया जो यू नो भारत को, जो भारत के नागरिक को परेशान करने वाली आइडिया, नए नए जो आविष्कार करते हैं तंग करने के तरीके। आप बताइएगा कि आप प्रोक्योर कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये देश आपका है, विपक्ष और किस तरह का राजनीति कर रहे हैं आज भी। और आदर पूनावाला और भारत बायोटेक 1 लाख करोड़ का मुनाफा लेके भागेगा। हमारा आविष्कार ये भारत बायोटेक का तो और भी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे जो है अनुसंधान के माध्यम से इनको जो है ये ड्रग मिला और ये बेच रहे हैं 1200 रुपए में, और आदर पूनावाला यूरोप में बेचता है $3 में और भारत में $6 में बेचता है 1200 रुपए और 600 रुपए। मोदी जी और बीजेपी इसको बोलेंगे कि ठीक है। एब्सोल्युटली गौरव भाटिया, ये सच्चाई है। एक लास्ट सवाल, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। आप एक समझदार डॉक्टर अजय कुमार रुक जाइए, डॉक्टर भार्गव मैं 1 सेकंड क्योंकि मैंने एक राउंड ना सर, 1:3 है ना मामला, रुक जाइए ना। गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए, ठीक है गौरव भाटिया। रूबिका जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो अपने आप में लगता है कि एक बनता हुआ काम कैसे बिगाड़ा जाता है। 2 कंपनी जो रात दिन लगी है, और मैं उनका प्रवक्ता नहीं, उनका प्रवक्ता अपनी बात रख लेगा, लेकिन उनको कह रहे हैं मुनाफा लेके भाग जाएंगे, ये चोर है, यही राहुल गांधी की भाषा है। क्या इससे देश का भला होगा? नहीं होगा। और मैं एक बड़ी बात, 1 लाख करोड़ मुनाफा, अब फिर देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं रूबिका जी, ऐसे चर्चा क्या हो सकती है? इतने गंभीर सॉरी सॉरी बोलिए बोलिए चिल्लाते रहिए, बोलिए 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 गौरव जी बोलिए, बता रहे 1 लाख करोड़ है मुनाफा। हाँ सुन लीजिए रूबिका जी, ये आप राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत किया करिए, ठीक, हम लोग ये गंभीर चर्चा कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ है गौरव जी, 1 लाख करोड़, ये मोदी जी का गलत है, चर्चा नहीं हो पाएगी। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। रूबिका जी मैं जवाब आपका देता हूँ, प्रयास करता हूँ तथ्यों से दूं आपको, अगर कुछ और पूछना आप जरूर पूछेगा। सबसे पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेरी करी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने क्या ये नहीं कहा कि जो 50% है स्टेट के लिए भी, उसमें ये कंपनियां अपना रुपया जो मुनाफा है उसको कम करके प्राइसिंग कम करें, ये प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है। तीसरी बात, 130 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, 60-70-80 करोड़ आप समझ लीजिए मिनिमम अभी हमें जो है वैक्सीनेशन चाहिए, क्या इसकी तुलना किसी और देश से की जा सकती है? जब हम बार्गेन कर रहे थे, जब हम पूरे देश के लिए बात कर रहे थे, तो यही पार्टी कहती थी हमें ये हक दिया जाए, अब दिया जा रहा है तो शोर मचा रहे हैं। और अंत में एक बात और कह दूं, मेरे सवाल का किसी ने उत्तर नहीं दिया, जो प्रदेश की सरकारें उनका रुपया उनका बजट भी तो आम जनता के ही ये है ना, उत्तर प्रदेश ने, असम ने, मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि हम टीके का भार उठाएंगे, तो महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा जरूरी चिल्लाई लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, आपको पता वक्त की थोड़ी सी कमी है। लेकिन सच्चाई तो ये है ना गौरव भाटिया, अभी भी मैं आपसे ये कह रही हूँ डॉक्टर अजय कुमार, मैं ये कह रही हूँ, और प्लीज ये पढ़कर बताना जरूरी है डॉक्टर भार्गव, ये कोविडशील्ड 224 रुपए यूके में पर डोज बेची जा रही है, अमेरिका में 299, ब्राजील में 236, बांग्लादेश में 299, दक्षिण अफ्रीका में 393, और सर 150 रुपए में तो 50% है ना, बाकी राज्यों को तो 400 और 600 रुपए में दी जा रही है ना। आ चुकी है उनका क्या है रूबिका जी, जो आ चुकी है गौरव भाटिया जी, एक गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, 200 रुपए अरे सुन तो लो गौरव जी, ज्यादा मिली है कि नहीं मिली, अरे सुन तो लीजिए रूबिका जी, सुन तो लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन केवल नरेंद्र मोदी जी के पास है। सर आप एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ।
डॉक्टर भार्गव मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, मैं आपके, मैं बस ये चाहती हूँ सोल्यूशन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हम यहाँ पर है ना, तो फिर लगातार ये सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि भाई ये आपदा की घड़ी है और ऐसे में हमें वैक्सीन जो है 1500 रुपए, 1200 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए, ऐसा क्यों? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन इस बीच ये कहते हुए कि अपना ख्याल रखिएगा, इस कोरोना को आप ही हरा सकते हैं अपने लेवल पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।